रहा हूँ, वेटर गिरी और बर्तन धुलेगा, कंट्रोल मेरा होंगे, मैं खाना बनाएगा इसका जीजा। अच्छा आलू की सब्जी जमीन कंट्रोल होगा। अच्छा भाई से बर्तन धुलवाओगे होटल में? भाई किस दिन काम आएंगे? सीजन का काम चल रहा है आजकल, सीजन का काम चल रहा है तो काम करेगा तभी खाना। पहली बार देख रहे होंगे आप मेरे कमरे में, अरे हमारी छोटी सासी है, इनसे तो आप मिलते रहते हैं। ये तो रोड बेर ढूंढ जाता है, रोड बेर वाला परेशान हो गया नहीं, मतलब जब भी हम यहाँ आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमन सोनी ब्लॉग पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:30 बजे से, थोड़ा ठीक हो गया है, इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और यहाँ ना कल बहुत जोरदार बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूछो मत। यहाँ तो लाइट भी कल पूरी रात भर यहाँ पे लाइट भी नहीं आई, क्योंकि बारिश के कारण ना बिजली के सारे खंभे वगैरह ख़राब हो गए थे, तार वगैरह ख़राब हो गए थे, तो उस वजह से रात भर हमें अंधेरे में ही रहना पड़ा। तो अभी दिन में आई है लाइट, तो अभी लाइट भी थोड़ा डिम आ रखी है, मतलब अच्छे से नहीं आ रखी है। तो सुबह तक तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, लेकिन अभी अच्छी सी धूप खिली हुई है और फिर मौसम हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है। शाम के लिए फिर से मौसम पैक हो रहा है एक साइड से, शायद शाम को भी फिर बारिश शुरू हो जाए, देखते हैं कैसे कैसे रहता है मौसम। तो दोस्तों, खाना पीना हमारा हो गया है और अभी हमारे घर पे पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, तो पूजा का समापन भी हो गया है और खाना पीना अभी, आज हमारा बहुत लेट हुआ है, अभी 4 बजे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद ठंड सी लग रही थी अंदर, तो अभी मैं हल्की सी धूप में आ रखी हूँ। तो देखते हैं आगे क्या क्या हो पाता है, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों, तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे खेल रहे हैं बॉल, तो आजकल फुल मजे आ रहे हैं खेलने के अलावा कुछ काम नहीं है। सुबह उठ के भी खेलना शुरू, शाम को भी खेलना, और कुछ नहीं है इनका बस। हेलो, ये है मेरी प्यारी सी ननद कल्लू, फिर बोले मेरा कल्लू बोले पहले देखा होगा ब्लॉग में, लेकिन पहले तो अनमेरिड देखा होगा, शादी के बाद पहली मुलाकात हो रही है ननद जी से। ये मेरी फूफू सास की बेटी है, यानी कि मेरी ननद है। तो अभी नहीं दिखा यार, तुम दिखा। नहीं यार, मेरे को शर्म लगती है यार, कहीं बोलेंगे वो आ रही है ऐसे फोन ला रही सामने। तो शादी के बाद पहली मुलाकात हो रही है, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं सोच रही थी कि यार प्रिंसी तो आई थी, कल्लू भी आ जाती, याद कर रहे थे हम, तो अच्छी बात है कि चलो पिछली बार हमारी जो मुलाकात हुई थी तब कल्लू अनमेरिड थी, कल्लू नहीं यार दूसरा नाम क्या है, तब प्रियंका अनमेरिड थी जब हम पहली बार मिले थे, और शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके इसके एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से ये भी गाँव आ रखी है आजकल, और बच्चा पार्टी यहाँ पे खेलने में भी गर्म। तो दोस्तों, मैं अपनी दोस्तों, तो जो मेरी फूफू सास हैं उनसे मैं पहली बार मिलूंगी, तो मिलवाती हूँ आपको पहले तो करा। तो दोस्तों, तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी फूफू सास से, यहाँ पे रुझा बैठी है छोटी ननद, मोटी ननद, मोटी ननद। तो पहली बार मिल रही हूँ मैं अपनी फूफू सास से, देखती हूँ ये यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, ठंडी ठंडी, गाँव में इतनी गर्मी हो रही है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हे मम्मी, हाँ कैसा लगा फिर बहू से मिल के, अभी इधर आओ, कैसे लगी बहू? दोस्तों, तो ये है हमारी फूफू सास जी, इनसे पहली मुलाकात हो रही है हमारी, शादी को 13 साल बीत गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, मम्मा ने घर आते हुए हमारे घर पे है, हमारी शादी में भी नहीं आए थे, किसी कारणवश नहीं आए होंगे, नहीं आएंगे, कुछ परेशानी उस समय से आ उस समय नहीं, पेपर पेपर होते बच्चों के, तब नहीं आए थे, हमने पेपर होते। तो पहली मुलाकात हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी से मिल के, देख रहे होंगे आप मेरे कैमरे में, अरे हमारी छोटी सास जी है, इनसे तो आप मिलते रहते हैं। हाँ, ये तो रोड बेर ढूंढ जाता है, रोड बेर वाला परेशान हो गया बस। नहीं, मतलब जब भी हम यहाँ आते हैं तो मिलते रहते हैं, तो तुम पौड़ी आया करो मिलने के लिए, यहाँ घूमने के लिए भी आएंगे, पौड़ी भी आएंगे हम, पौड़ी घुमाएंगे हम, आप हो गया मंदिर ले जाएंगे, लक्ष्मण मंदिर ले जाएंगे, पूरे पौड़ी घुमाएंगे हम। कपड़ा पैक कर, कपड़ा पैक कहाँ जा रही हूँ?
गरीब आदमी मिल जा रही है गरीब आदमी को साथ में लेके जाना है। देखो ये करेगा वेटर गिरी और बर्तन धुलेगा काउंटर में मेरा मैं खाना बनाएगा इसका जीजा। अच्छा आलू की सब्जी जमीन अच्छा भाई से बर्तन धुलाओगे होटल में सीजन का काम चल रहा है आजकल सीजन का काम चल रहा है तो काम करेगा हेलो दादाजी नानी है ये नानी दादी अरे हमारे सब्जी क्या मेरी मर्जी कन्यू अरे वाह मोई मोई करना जरा मोई मोई कन्यू मोई मोई करना ऐसे ऐसे भी करो ना मोई मोई नीचे में जाओ कन्यू मोई मोई अल्लू मोई मोई कर दे अल्लू वो की शुरू अच्छा दोस्तों तो अभी जा रही है मेरी ननद अपने ससुराल तो अभी हम उसको छोड़ने जा रहे हैं तो लकी भी जा रहा है यह मेरा भांजा मेरी ननद का बेटा तो घर जा रहे हो आज होमवर्क करना है हॉलीडे होमवर्क ठीक है पढ़ाई करना बाबू अच्छे से तो पहले इनको छोड़ते हैं पूजा का कार्यक्रम भी हो गया है और अभी हमें मंदिर भी जाना है तो सबसे पहले हम इनको छोड़ देते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी सब रेडी हो रखे हैं पूजा औरों को छोड़ने के लिए पूजा रूजा को है इसी अब गोली तो हर टाइम व्यस्त ही रहता है। देखो जी हमारा देवर जी बिल्कुल व्यस्त रहता है फ़ोन में उल्टा ही कॉल पे हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल भी हो सकती है ट्रक इनके बल ट्रक फंसे हैं देवप्रयाग ऋषिकेश ऋषिकेश फंसे हैं ट्रक ही देवप्रयाग और बात भी सही है सीजन का टाइम है ट्रक फंसे हैं ये भी ऐसे कैसे बस पूरी पिक्चर मत बनाओ तो देखो दोस्तों आजकल के देवर जी ऐसे बिजी रहते हैं फोन पे। ये हमारी छुटकी सी ननद इसी और मेरी कन्नू तो आज घर जा रही है यही रह लेना हमारे साथ ये बोल प्यारी लग रही फुर्की यहाँ पे मौसी और कल्लू पूजा को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा बाहर ही नहीं आ रही ना उसको बुरा लग रहा है उस टाइम तक तो बोल रही थी मैं कब जाऊँ और अब बाहर ही नहीं निकल रही तो दोस्तों अभी पूजा जा रही है ससुराल ये दोनों इमोशनल हो गए हैं बहुत ज़्यादा इनको बुरा लग रहा है जाते हुए। रूजा रूजा का क्या सीन है हाँ तो उसके जा रहे हैं आजकल की बेटियां ससुराल दोस्तों तो हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके से विदाई होती है जब बहन बेटियां यानी कि ससुराल जाते हैं तो ससुराल जाने से पहले टीका लगाया जाता है कुछ इस तरह से तो चाचा बाल क्या चलो चलो थोड़ा और रुजा थोड़ा और चलो
तो इतने सारे जा रहे हैं पूजा रूजा को छोड़ने के लिए, इस ससुराल जा रहे हैं। कैमरामैन बोल सफदर काल से तुमने मंदिर जाना ना, तो मंदिर नहीं ठीक है मोमोज भी खा लेना चलो। ठीक है ठीक है। बहुत तेज धूप लगी है और ये ससुराल जा रहे हैं इतनी दोपहर में। 12 बज गई है और 12 बजे निकल रहे हैं। ये पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखते हैं, वो तो नीचे मार्केट में ही पता चलेगा गाड़ी लगी है या नहीं लगी है। हम कल जाएंगे बेटा। तो अभी हम इनको छोड़ने जा रहे हैं मार्केट तक। सबके साथ मार्केट में खड़े हो रखे हैं, गाड़ियां तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या क्या बस नहीं खाने बेटा ऐसे। तो फाइनली इनको गाड़ी मिल गई है, तो अच्छा हुआ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, पीछे की सीट मिली है लेकिन गाड़ी मिल गई है। तो जाते हैं अब। बाय रुजा। बाय बाय। दोस्तों तो अभी हमारे मेहमान भी चले गए हैं और हमने सोचा कि गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, चलो टाइम से मिल गई गाड़ी, वो टाइम से पहुंच जाएंगे देवप्रयाग। तो अब चलते हैं हम घर की ओर, घर पे पहुंचने ही वाले हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।